गाइस हम आए हुए हैं आज सिग्नेचर ब्रिज पे और आप देख सकते हैं पीछे ये सिग्नेचर ब्रिज पीछे की तरफ। अभी यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम इसके पास चलते हैं और ये पूरा का पूरा रोड है, आप पीछे देख सकते हैं। तो आइए सर आपको घुमा के चलिए, चलते हैं आगे की तरफ। और देखो दोस्तों हम आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज पे और यहाँ जगह जगह पर एक बोर्ड लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये रोड जा रहा है आपका इधर और ये जगह जगह पर ये वाले बोर्ड लगे हुए हैं कि सड़क पर रेड़ी लगाना बिल्कुल मना है, ठीक है, और यहाँ पर सामान बेचना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहाँ पर सामान या रेड़ी लगाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पर जो है भीड़ लगना शुरू हो जाएगी और सिग्नेचर ब्रिज की जो है ना यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसीलिए ये सारी की सारी यहाँ पर नोटिफिकेशन बोर्ड, एक तरह से नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं। और ये ब्रिज पूरी तरीके से बनकर भी तैयार नहीं हुआ है और रात के 11 बजे ब्रिज बंद कर दिया जाता है। अभी ये पूरी तरीके से बनकर नहीं हुआ है तैयार, 11 बजे वजीराबाद पुल का प्रयोग किया जाता है और इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर सारे के सारे रूट चलते हैं। देखो यहाँ पर बस जा रही है हार्स विहार की 234 और ये है हमारे शादाब भाई। और शादाब भाई ये अब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तो चलिए आगे और चलते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं बहुत ज़्यादा करीब। तो ऊपर ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है इसकी यहाँ पर, और अभी साइड में आप देख सकते हैं पूरा रोड चल रहा है और हम लोग इधर ही साइड पर खड़े हुए हैं इस साइड पे, जिधर हम जो है सारे के सारे जो होते हैं पीपल्स लोग जाते हैं आदमी, ठीक है। और ये साइड में रोड जा रहा है और ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं अभी बन रहा है, ये पूरा का पूरा अभी तैयार नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी रह गई है, तो उसी को जो है ना अभी कंप्लीट किया जा रहा है। क्रेन वगैरह बहुत सारी खड़ी हुई हैं। चलिए और आगे चल लेते हैं जहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स और सारी सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. पूरा का पूरा सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस कर चुका है और ऊपर देखिए आप पीछे देख सकते हैं पूरे के पूरे वायर, एक तरह से तार जिससे जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। आप इन्हें दिखा दीजिए, ये पीछे का देख सकते हैं आप, और ये दिल्ली टूरिज्म का इस पे एक छोटा सा लोगो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दिखा देते हैं हर एक बोर्ड पे लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा लगा हुआ है और यहीं पे साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर यमुना नदी है। तो यमुना नदी किस साइड है, ये इस साइड, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो यमुना नदी यहाँ पर पीछे की तरफ है पूरी की पूरी दूसरी है और यहाँ पर सारे मछुआरे लोग हैं जो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, ठीक है। और पीछे से ये रोड जो जा रहा है तिमारपुर, ये वाला जो रोड है तिमारपुर है और जो आपका इधर की साइड है इधर वाला, ये आपका खजूरी भजनपुरा और आपका गाजियाबाद, ये आपका उस तरफ रास्ता जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो रोड है इस पर जो है अभी मॉर्निंग में आप देख सकते हैं धुंध काफ़ी है, टाइम बहुत हो चुका है, तकरीबन टाइम कितना हो चुका है, पौने दस देखिए आप, 9:45 यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी भी धुंध जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी धुंध है, लेकिन एक तरह से यहाँ पर सूरज का कोई नामो निशान तक नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे सूरज थोड़ा सा दिख रहा है और यहाँ पर आपकी जो है पूरी की पूरी ये यहाँ पर पूरा का पूरा बस चल रही है, DTC वगैरह जितनी भी आपकी यहाँ है यहाँ से रन कर रही है। और यहाँ पर आप मैं दिखाता हूँ, देखो एक DTC यहाँ से आ रही है, तो ये आपकी आ रही है आनंद विहार। पास कर दे, थोड़ा पास कर दे। आपकी ये बस DTC यहाँ पे जितनी भी DTC वगैरह यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर पुलिस वाले अंकल भी आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारे के सारे आ रखा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं ताकि जो है ज़्यादा फोटोग्राफी या फिर आपकी वीडियोग्राफी ना हो पाए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल एरिया भी बन चुका है अभी काफ़ी, मतलब थोड़े बहुत देखो कई बार क्या होता है जो भी हमारे रोड्स वगैरह होते हैं उस पर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो धुंध में और काफ़ी
क्योंकि इस पर नॉन स्टॉप चलती है, जितनी भी गाड़ियाँ होती है कोई ब्रेकर वगैरह इतना नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं। तो एक दो एक्सीडेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर यही इससे सहूलियत लोगों को मिली है, क्योंकि इससे शास्त्री पार्क, वजीराबाद और बस अड्डा जितना भी एरिया था वो जो है ना एक तरह से वहाँ पे ट्रैफिक की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिली है। और पुराने वाला अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप देखें तो वहाँ पर उस साइड बिल्कुल सामने आपको दिख रहा होगा हल्का सा ये वाला है, ये ओल्ड वाला है, पुराने वाला है, ठीक है। और ये थोड़ा सा जब ये क्या होता है, अभिनय भाई कह रहे हैं हिल रहा है, हिलने का मतलब ये है कि देखो वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट होने का मतलब कोई भी बस वगैरह कभी भी जाती है तो एक तरह से यहाँ पर वाइब्रेट होता है पूरा का पूरा जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कोई भूकंप वगैरह आया तो ये हिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं हिलेगा तो भूकंप आएगा तो ये बिल्कुल वाइब्रेशन, इसलिए क्योंकि हल्की सी। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, देखिए छोटे छोटे यहाँ पर जाली बनाई हुई है ताकि पानी जो है नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। और रोड पे भी ये पूरी की पूरी चीज़ें दिखा रखी है, रोड में भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो मतलब जो है फीचर्स वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जोड़े गए हैं यहाँ पर पूरा का पूरा रोड। आप देख सकते हैं इस साइड से जहाँ पर लिखा हुआ है ISBT राजघाट आज़ादपुर, और ये आपका जो है करनाल रोड, ठीक है। और देखो अब ये सूरज भी आपका निकल चुका है, ठीक है। तो तकरीबन अभी ये है पूरा रोड, अभी थोड़ी सी गंदगी इस पर है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है देखिए, यहाँ पर पानी जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, और सामने से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल हम नीचे हैं इनके, आप ऊपर देख सकते हैं पूरा का पूरा है ये। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिग्नेचर ब्रिज, आप पीछे देख सकते हैं, आप चल रहे हैं हम घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दूसरी साइड से, एक साइड से तो सारे के सारे वायर हैं ही, दूसरी साइड से कितने वायर्स हैं, 2, 4, 6, 8, तो 8 वायर इधर से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दूसरी साइड से इन्होंने कवर किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर आप देख सकते हैं उधर, पूरा का पूरा एक साइड से दूसरी साइड से जो है ना उन्होंने इसको कवर किया हुआ है, और पीछे से दोनों की तरफ देख ही सकते हैं। और आगे अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखिए ये दोनों जा रहे हैं आगे की तरफ, जिसका नाम है विनय और शादाब। अरे जानते तो। तो ये दोनों अब हम लोग, हम तीनों घर जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने जैसे भी आपने सिग्नेचर ब्रिज देखा पूरा का पूरा, अगर नहीं देख पाए तो ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से ये आप इसमें देख सकते हैं नमूना इंजीनियरिंग का, और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं फोटोग्राफी के लिए, और यहाँ तक कि फ़्लाइट से भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं विजिट करने के लिए। ये आपका पड़ता है वजीराबाद एरिया के अंदर, सबसे अब तक का जो है इंडिया के अंदर सबसे अच्छा एक तरह से एकदम फेमस होने वाला है पूरा का पूरा एरिया, और ये एक तरह से सिग्नेचर ब्रिज कहा गया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है, और यहाँ पर अभी भी एक तरह से लिफ्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड करने वाले हैं लोग, तो उसके बारे में ही यहाँ पर ऐड फीचर्स वगैरह ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए विनय को मिल चुके हैं 2 रुपये, उन्हें रोड पे मिलते हैं 2 रुपये तो बहुत खुश हो गए, वो इन्होंने फेंक दिए। ये देखिए 2 रुपये मिले थे भाई, 2 रुपये मिले थे आपको, 2 रुपये आपका ही नहीं, वो 1 रुपये मिले थे, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि ये फ्री के मिले थे। तो चलिए गाइस, ये यहीं पर वीडियो हम पूरी कर देते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई दी है, और यहाँ पर ये शादाब भाई और ये विनय भाई हमारे साथ ही थे। चौथा बंदा जो है जरूर आएगा, वो अभी छुट्टी पे है, वो गया हुआ है बनारस गया हुआ है पेपर देने के लिए बनारस गया हुआ है वो, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो इतनी प्यारी सुबह सुबह की वॉक पे एक डायलॉग बनता है मिस्टर बॉलीवुड के हमारे खिलाड़ी कुमार हैं, उनका एक डायलॉग बनता है, पीने की कैपेसिटी एंड जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस एंड नाम का खौफ, कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें 2 रुपये मिल चुके हैं, इसी वजह से जो है ये इतना खुश हो चुके हैं, ये 2 रुपये मिल चुके हैं इसी वजह से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।